नमस्कार बच्चों, कैसे हो? काफी दिनों से पढ़ाई नहीं हो रही। कक्षा नवीं के लिए मैं समास लेकर आया हूं। अगर ये वाला वीडियो सही रहा, अच्छे लाइक, अच्छे कमेंट, अच्छे शेयर आए और आप लोगों ने भी कुछ सीखा तो मैं इस तरह से और वीडियो बनाऊंगा। तो मैं ज्यादा समय ना खर्च करते हुए सीधा समास पर ले आता हूं। आप एक बार सोचिए, अगर हम ये कहें कि बेटा जा रसोई के लिए घर में से चम्मच लेके आ जा, या फिर हम ये कहें कि अकाल से जो पीड़ित है उस व्यक्ति को ये देके आओ। इस तरह जब हम शब्दों को बड़ा कर देते हैं तो वो अटपटे से लगते हैं, समय भी ज्यादा खर्च करते हैं। कारण से है, भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है और कहने वाले को भी लोग विद्वान समझते हैं, बातचीत करने वाले को भी विद्वान समझते हैं। जब कहेंगे कि रसोई घर से ये सामान ले आओ, कि रसोई घर से ये सामान ले आओ, या फिर ये कहेंगे कि भाई अकाल पीड़ित व्यक्ति है उसे ये सामान दे दो, या फिर महान है जो आत्मा कहने की बजाय महात्मा कहेंगे, तो ऑटोमेटिक भाषा का सौंदर्य बढ़ ही जाता है। तो मैं ज्यादा समय ना खर्च करते हुए सीधा लेके चलता हूं समास पर। आपको दिख रहा है समास, समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना। सीधा समास पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अन्य बातें बताता हूं। क्या आपको पता है वर्ण क्या होते हैं? क, ख, ग, अ, आ, इ, ये सभी वर्ण हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं। वर्णों का जब मेल होता है उसके परिवर्तन से संधि होती है और जो शब्द बनते हैं शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आइए हम अच्छी तरह से समझते हैं। शब्द समास को ही लेते हैं सबसे पहले। ये दो शब्दों के मेल से बना है, सम और आस। सम का मतलब होता है निकट या पास और आस का मतलब होता है बैठना या बिठाना। अर्थात दो अलग अलग शब्द हमने अभी लिए थे, एक शब्द था रसोई, एक था घर। उन दोनों को पास ले आए, समास हो गए। महात्मा महान है जो आत्मा, तो महान और आत्मा शब्द को पास ले आए, महात्मा बना, समास। समास की कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उसके बाद हम भेदों पर चलेंगे। हम एक सरल सा उदाहरण लेते हैं, माता पिता। और मैंने सोचा कि शुरुआत भी माता पिता से करना उचित होगा, इसलिए माता पिता उदाहरण लिया। माता और पिता, माता और पिता, एक शब्द और है बीच में, एक तरफ माता है एक तरफ पिता है, तीन शब्द। इन तीनों शब्दों को पास लेके आते हैं, इन तीनों शब्दों में हम और को हटाकर दोनों शब्दों को पास लेके आते हैं तो भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है और कहने वाले का समय और सुनने वाले का समय बच जाता है। माता पिता, यहीं पर कुछ परिभाषाएं बन जाती हैं। माता और पिता, इसे कहते हैं समास विग्रह। लेकिन अभी हमने समास किया ही नहीं, पहले विग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझाना जरूरी था कि दो शब्दों को पास लाया जाता है। समास विग्रह में आपको फिर से समझाऊंगा। हम पास ले आए दोनों शब्दों को, माता पिता, दो शब्द है हमारे पास माता पिता। पहले शब्द को माता को, ध्यान देना, पहले शब्द को माता को पूर्व पद कहा जाता है। पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व पद कहा जाता है। और दूसरे शब्द पिता को, वो दूसरा शब्द है, उसे उत्तर पद कहा जाता है। उत्तर माने आंसर भी होता है और उत्तर माने बाद का भी होता है। उत्तर माने आंसर भी और उत्तर माने बाद का भी। अगर आपने नहीं ध्यान दिया हो तो मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी में बीए ग्रेजुएट कहा जाता है, उस ग्रेजुएट को हिंदी में स्नातक कहा जाता है, स्नातक। और उस स्नातक के बाद जो एमए होती है, पोस्ट ग्रेजुएट, उसे हिंदी में स्नातक उत्तर, स्नातकोत्तर कहा जाता है, स्नातक के बाद। ऐसे ही उत्तर माने बाद, उत्तर माने बाद, पूर्व माने पहले। माता पिता दो शब्द हैं, माता पहले आता है इसलिए वो पूर्व पद, पिता बाद में आता है इसलिए वो उत्तर पद। अब जब हम इन दोनों शब्दों को पास ले आए माता और पिता से, माता और पिता से जब हमने माता पिता बनाया, पास ले आए, इस प्रक्रिया को ही, शब्दों के मेल को ही, ये शब्द थे इनको मिलाया, इस मेल को ही समास कहा जाता है। शब्दों का मेल ही समास है और यही शब्दों के मेल को अगर अलग किया जाता है तो उसे
समास विकल्प कहते हैं। अगर हम इसको वापस अलग करते हैं माता और पिता में तो इसे फिर कहा जाएगा समास विग्रह। ऐसे और उदाहरण हम लेते रहेंगे, उससे पहले हम ले लेते हैं इसके भेद। अलग अलग किताबों में समास के अलग अलग भेद दिए गए हैं, लेकिन हमारे यहां सीबीएसई बोर्ड नवीं कक्षा में आपको 6 भेद याद करने हैं। समास के केवल 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीही समास। अगर यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक बात कोई है तो समझ गए होंगे कि याद करने हैं, याद करने वाले ही होगी, नहीं वो तो लगभग बच्चे कर लेते हैं। स्पेलिंग, वर्तनी कहा जाता है स्पेलिंग को हिंदी में, वर्तनी। तो इनकी स्पेलिंग हमें याद करनी है। अव्ययभाव की ही पड़ी है, तत्पुरुष में रू छोटा है, पुरुष हमेशा छोटा होता है, स्त्री अगर होती तो बड़ी होती, स्त्री। ये तो मैंने कई बार समझाया आपको, पुरुष छोटा रू, बड़ा रू ऐसे लिखा जाता है। कर्मधारय तो सही है, द्विगु की वी छोटी है और यह है हलंत। जब कभी हलंत लगता है तो आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि जब कभी किसी वर्ण किसी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है तो वो व्यंजन वो वर्ण आधा हो जाता है, मतलब उसके बोलने में समय कम लगता है, द्विगु। फिर द्वंद्व, मैं ये अलग इसलिए लिखता हूं ताकि उच्चारण में दिक्कत ना आए और बच्चे को पता रहे कि द के बाद व आता है और द आधा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि द बुरा है और व आधा है, इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है, सही दोनों है, लेकिन ये ज्यादा उचित होता है। उच्चारण का भी पता चलता है और पता चलता है कि द आधा है और व पूरा है। ऐसे ही द्वंद्व, हम इसे चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सही है। और उसके बाद बहुव्रीही में व्री बड़ी है और ही छोटी है, ये ध्यान देने लायक बातें हैं। अगर हम शुरुआत में ही अशुद्धियों पे नियंत्रण कर लेते हैं, अशुद्धियों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आगे चल के हमें कोई दिक्कत नहीं होती। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक कमेंट शेयर कर देना। मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, क्योंकि इस तरह से मुझे पढ़ाया नहीं जाएगा, मुझसे तो लाइव पढ़ाना है, ऐसे जब इंटेक्ट नहीं हो पाता तो मजा क्या है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।